कोविड-19 इन्फेक्शन के इलाज लिए हेल्थ कैनेडा वालों एली लिली एंड कंपनी की एंटीबॉडी थैरेपी की एमरजेंसी वरतों मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को जारी की गई प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि बालगा 12 साल तो उपर उम्र वर्ग के बच्चिया जिन्हों कोरोना वायरस की मट्ठी तो दरमियानी इन्फेक्शन है दे इलाज लिए सिंगल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट की इजाजत दी गई है। लिली ने कहा कि यह इलाज उन्होंने है जिन्हों कोविड-19 के गंभीर लक्षण बढ़ रहे हो या फिर जिन्होंने हस्पताल भर्ती कराने की नौबत आ जाए। ये उन्होंने मरीजों लिए नहीं है जिहड़े पहला ही हस्पताल दाखिल हो जिन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ हो। लिली के चेयरमैन ते सीईओ डेविस एरिक्स ने एक रिलीज में कहा है कि कैनेडा में उन्होंने दवाई को ऑथराइज किए जाने से हुण वो बालमिल विवैब दुनिया भर में मौजूद मरीजों को उपलब्ध कराने का टीचा मिथ है। यह फैसला इंडस्ट्री ते सरकारां द्वारा दरमियान मजबूत सांझ की शादी भरता है। इस नाल जल्द तो जल्द कोविड-19 मेडिसिन लोगों को मुहैया करवाई जा सकेगी। रिक्स ने आखिया कि इलाज जल्द ही कैनेडा में उपलब्ध होएगा तो एक अंदाजे मुताबिक साल 2020 के अंत तक लिली वालों 1 मिलियन डोज तैयार किए जाने की संभावना है। लिली मुताबिक अगले साल के शुरू में इस दवाई की वरतों दुनिया भर में शुरू कर दी जाएगी।